रस्ते को छोड़ना होगा। मतलब मैं समझ ही नहीं पापा, आप क्या बोल रहे हैं? बेटा बस यही मेन दिक्कत है, क्योंकि तुझे इस अवार्ड फंक्शन के लिए, उसकी तैयारियों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। ये अवार्ड फंक्शन इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, और 3 महीने के लिए तुझे वहां जाकर रहना पड़ेगा। सारी तैयारियां शुरू से लेकर अंत तक सब तुझे खुद देखनी होगी। पापा आप बिना शनाया के साथ रह रहे कि एकदम ड्रामा करने लगे। सीधे ऑस्ट्रेलिया वाली बात बोलते ना, अगस्त्य को छोड़ना होगा, एकदम बढ़ा चढ़ा के ड्रामा करके बोल रहे हैं आप मुझे। और इसमें दिक्कत कुछ नहीं होगी पापा, मैं ना अभी घर जाऊंगी और दादी और अगस्त्य से एक बार डिस्कस कर लूंगी, एंड आई एम श्योर वो दोनों ना मुझसे ज्यादा खुश होंगे। हाँ बेटा खुश तो होंगे, लेकिन तुझे 3 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए अगस्ता मान जाएगा क्या? पापा देखिए, आपने तो खुद देखा, जब अगस्त्य मेरा सिर्फ बेस्ट फ्रेंड था, तब से वो मेरे करियर को लेके कितना सपोर्टिव रहा है। उसने हमेशा हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा है। हाँ मैं 3 महीने उससे अलग ऑस्ट्रेलिया में रहूंगी, बात सुनकर वो मुंह जरूर फुलाएगा, पर क्योंकि मेरा काम है और मेरे करियर के लिए अच्छा है, तो मुझे यकीन है कि वो समझ भी जाएगा। हम सब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं? हम सब का क्या मतलब होता है, सिर्फ मैं जा रही हूँ। और तुझे ना वहाँ से सिर्फ वीडियो कॉल पे मेरी शक्ल दिखेगी और थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया। चॉकलेट तो दो मुझे। बक मैं नहीं दे रही। दी प्लीज दो ना। नहीं 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 शनाया दूर हट जा। नहीं मैं नहीं दे रही। अरे पापा दो। अरे चॉकलेट। अरे पापा मेरे लिए लेकर आ रहा। मुझे भी मत जाके लेना। सुनिए आप आखिर को इतनी दूर क्यों भेज रहे हैं? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? और क्या चलेगा मेरे दिमाग में, अपनी बेटी के करियर को अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के अलावा? और ये सवाल क्या था प्रेमा? ठीक है आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी कि पाखी को आप हम सबसे दूर क्यों भेजना चाहते हैं। हम चले ओ रामचंद्र रे, हम चले ओ रामचंद्र रे। बड़ी खुश लग रही है तू। हेलो क्या कर रही है, शर्ट क्यों खोल रही है? अरे इतना क्यों शर्मा रहे हो, पति हो मेरे, मेरे बटन खोलने पे इतनी शर्म आ रही है तुम्हें? हाँ ज्यादा मुस्कुराने की कोई जरूरत नहीं, वो क्या है ना मैं तुम्हारे लिए नई शर्ट लेकर आई, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अभी ट्राई करो। वाओ शर्ट तो बहुत अमेजिंग है, वैसे किस खुशी में लेके आई है? वो क्या है ना डोडो, आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ में ना करियर वाइज कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। रियली डोडो मुझे ना एक बहुत बड़ा अवार्ड शो ऑफर हुआ है, अवार्ड शो ना पापा के दोस्त का है। वाओ पाखी दैट्स अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस। वैसे कहां है ये अवार्ड शो और कितने दिन के लिए? I'm guessing ये गुड़गांव या दिल्ली में ही होगा कहीं? थोड़ा सा और दूर। तो फिर मुंबई? थोड़ा सा और दूर फ्लाई करके जाना होगा। थोड़ा और दूर मतलब इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, इंटरनेशनल अवार्ड शो कहाँ कर सकते? दुबई? नहीं एक्चुअली थोड़ा सा और दूर। एक मिनट तुम बैठो तुम। ना मुंबई ना दिल्ली ना दुबई, देन वेयर? ये आप घुमा। पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ दूर है, बस घर से निकलते ही कुछ दूर चलते हैं। अच्छा ऑस्ट्रेलिया, हाँ ये तो यही है, बगल में ही हमारे है, बस यूं गई और पहुंच गए। बट ये बताओ ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे और कितने दिन का है? I'm sure कि एक हफ्ते में तो हो ही जाएगा तेरा। बारह दिन। What? दिन नहीं, 12 हफ्ते। क्या फिर से बोल? बारह हफ्ते।
देख सस्पेंस मत रख, मुझे क्लियरली बता कि कितने दिन, 12 दिन, 12 हफ्ते, क्या? 12 हफ्ते ज्यादा कहाँ होते हैं, 1, 2, 3, 3 महीने बस, 12 हफ्ते मतलब 3 महीने। 3 महीने क्या? 3 महीने? बाकी 3 महीने पागल हो गई है क्या? 3 महीने मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। नो, यू नॉट गोइंग एनीवेयर। तू कहीं नहीं जा रही है, समझी? तू, मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा पाकी, दिस इज फाइनल। एक सेकंड, मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन। नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है कुछ, मुझे रिक्वेस्ट करी मत, मुझे सुनना ही नहीं है। अरे डोडो, मैं कौन सा कर जा रही हूँ यार, अभी तो मुझे पहले इंटरव्यू देना होगा, फिर इंटरव्यू में अगर मैं पास हो गई तो फिर उसके बाद क्या, मुझे तैयारियां करनी होगी, सब कुछ सोचना होगा, उसमें बहुत टाइम जाएगा। अरे अरे बहुत टाइम है, अभी सुनो तो। मुझे नहीं सुनना कुछ। नो पाकी, नो, नो रिक्वेस्ट एनी मोर। 3 महीने में तुझसे अलग कैसे रहूंगा, तुझसे जुदा कैसे रहूंगा, तू अलग मैं अलग। ठीक है, एक काम करते, मैं ना तेरे लिए यहाँ पे एक अमेजिंग सा प्रोजेक्ट ढूंढता हूँ, बहुत बड़ा इवेंट ढूंढता हूँ तेरे लिए, जो तेरे करियर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, वो मैं ढूंढूंगा तेरे लिए, तेरा पति ढूंढूंगा तेरे लिए। ओके, डन, खत्म बात। ठीक है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, तुम ही दिलाना मुझे कोई बड़ा सा इवेंट, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, दुनिया वाले बोलेंगे अरे देखो पाखी को तो इतना बड़ा इवेंट मिला है उसके पति की वजह से, क्योंकि उसका पति अमीर जो है, खुद के दम पे थोड़ी ना कर पाए कुछ पाखी। फिर बस लोग ऐसे ही ताने मारते रहेंगे, और फिर एक दिन ताने मारने के बाद जब 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 लोग जलेंगे ना मुझसे, तो हो सकता है कि मेरे हाथ पे आके ना टैटू ही लिख देगा, हाँ कि मेरा पति अमीर है, मेरा पति अमीर है, मेरा पति अमीर है। यही चाहते हो ना तुम, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये दर्द भी सह लेंगे। इस कई बार मैं सोचता हूँ कि कोई इंसान इतना ड्रामा कैसे कर सकता है। तू नहीं सुधरेगी ना, चल ठीक है, सिर्फ तेरे लिए तो जा सकती है। थैंक यू, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक तू यहाँ पे है ना, तब तक एक पल भी तुझे खुद से जुदा नहीं होने दूंगा मैं। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तेरे जाने से पहले मैं उस राघव और उसके पार्टनर को ना ढूंढ निकालूंगा, जिसने हमारी जिंदगी से चैन छीन रखा है। पर दादी, सिर्फ 3 महीने की तो बात है, 3 महीने दादी ऐसे गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। डोडो तो, अरे पापा आइए ना, आइए हमारे साथ खाना खाइए, और पापा आपको पता है अगस्त्य। नमस्ते पापा जी। ये रहे तुम्हारे पैसे जो तुमने मेरे दोस्त को दिए थे, ताकि वो ऑस्ट्रेलिया वाला प्रोजेक्ट मेरी मेरी पाकी को मिल जाए। और ये पैसे ना मैं अपनी सारी एफडियां तोड़ाकर लाया हूं। ये है ना मेरी बेटी का करियर बर्बाद करने की कीमत। हाँ पापा जी, क्या कह रहे हैं आप, ये सब क्या है? पापा क्या बोल रहे हैं आप? ओ, तो तुम्हें पाकी को नहीं बताया होगा, मैं बता देता हूं। नहीं बताया? पाकी मेरे दोस्त को किसी ने घूस दी थी, ताकि तुमको ये प्रोजेक्ट मिल जाए ऑस्ट्रेलिया वाला। और अब मुझे पता चल चुका है कि इसके पीछे अगस्त्य है। तुम जानते थे ना
कि मेरे दोस्त को गुस्सा दिलाने का मतलब है उससे दुश्मनी मोल लेना, क्योंकि वो उसूलों वाला इंसान है। और तुमने ये सब इसलिए किया ना ताकि तुम पाखी के सामने बाहरी दिखावा कर सको कि उसे ये जॉब मिलने पर तुम खुश हो, लेकिन तुम्हारा असली मकसद ये था कि पाखी यहां से दूर ना जाए, तुमसे दूर ना जाए। तुम उसे अपने पास रखना चाहते थे, उसका इस्तेमाल करना चाहते थे जब तक तुम्हारा मन चाहे। अब्बा जी आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं पाखी के साथ ऐसा करूंगा। क्या है ये सब? समीर जी आप अगस्त्य पर ऐसे बेबुनियाद इल्जाम कैसे लगा रहे हैं? क्योंकि वो अतीत में इस तरह का था, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आज भी वैसा ही है। लोग बदलते भी तो है ना। नीलमा जी मुझे ये तो पता नहीं कि इंसान बदलता है कि नहीं बदलता है, लेकिन अगस्त्या के बीते कल को देखकर, जो इसने बीते कल में अपनों के साथ किया, अपने खुद के लोगों के साथ किया है, मैं उसी को सोच के बोल रहा हूँ ये सब। मैंने कुछ नहीं किया अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। अगस्त्य बस तुम्हें अब और सफाई देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पापा आप चलिए मेरे साथ। पापा देखिए आप प्लीज अगस्त्य पर ना इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए, आप समझ नहीं रहे हैं पापा। देखिए वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं हमारी जिंदगी में, कोई और है पापा, कोई और है जो हमारी जिंदगी से हमारा चैन छीनना चाह रहा है, कोई है जो अगस्त्य पर झूठे इल्जाम लगा के उसको फंसाना चाह रहा है, हम दोनों को अलग करना चाह रहा है। लेकिन मुझे अगस्त्य पर पूरा भरोसा है, इसलिए प्लीज पापा मैं नहीं चाहती कि आप भी एक गलत फहमियों का शिकार बने और अगस्त्य पर डाउट करें। बाकी बेटा जिस आदमी के अंदर, जिस इंसान के अंदर शैतान बसता हो ना, वो इंसान कहता है कि मैं गलत नहीं हूं। बेटा मेरी ना एक बात याद रखना हमेशा, क्रिकेट भले ही रंग बदल ले लेकिन क्रिकेट हमेशा क्रिकेट ही रहता है। अगर पाखी के पापा ही मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्या मैं कभी लोगों का भरोसा नहीं जीत पाऊंगा? पापा देखिए अभी इस वक्त ना मुझे आपसे बात नहीं करनी क्योंकि आप मुझे नहीं समझ सकते, हम फिर कभी बात करते हैं, प्लीज अभी घर जाइए, अभी नहीं। हेलो शान सर, पाखी मैडम के पापा आए थे, अगस्त्य सर को बहुत बुरा भला कहा, कुछ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया बोल रहे थे। ठीक तुम्हारे पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाने का मुझे कोई शौक नहीं है पाखी, लेकिन तुम्हें और अगस्त्य को अलग करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम्हारे फैमिली के हर एक मेंबर पर ना जाने कब से मेरी नजर थी, ऑस्ट्रेलिया वाली बात पता चलने के बाद मैंने ये पूरा प्लान बनाया था। तुम्हें क्या लगा पाखी कैमरा हटाकर तुम मुझसे बच जाओगी? कैमरा भी मैंने जानबूझकर लगवाया था ताकि शक अगस्त्य पड़ जाए। मेरी आंखें तुम पर ही हैं पाखी, और है मेरा एक आदमी तुम्हारे घर से मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, यू जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ राघव। डॉक्टर साहब आप पैसे लेकर कब तक आ रहे हो वापस? और हाँ आते वक्त कुछ खाने के लिए लेते आना, ये टिफिन का खाना एकदम बकवास है। आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तुमने किसी को कॉल तो नहीं किया इस नंबर से? नहीं नहीं मैंने तो सिर्फ आपको ही फोन किया था। ठीक है। हाँ बताओ क्या खबर है, लोकेशन को पता लगा? यस सर, आपका गर्लफ्रेंड वाला एंगल काम कर गया।
राघव की एक गर्लफ्रेंड है। उस लड़की का फोन टैप करने के बाद मुझे पता चला कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया था। थोड़ा और पता लगाने के बाद मुझे मालूम चला कि वो अननोन नंबर राघव का ही था। मैंने उस लोकेशन का पता लगा लिया। वो लोकेशन चांदनी चौक के पास में है। परफेक्ट। एक सेकेंड। तुमने उस लड़की का फोन टैप किया? मैंने तुमसे मना किया था ना कोई भी इलीगल काम करने के लिए। प्लीज काम डाउन सर, ये सब मैंने इंस्पेक्टर की देखरेख में ही किया है, सब कुछ लीगली किया है। ओके, दैट्स ग्रेट, ग्रेट न्यूज। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं तुरंत यहाँ से निकलता हूँ, मुझे फटाफट लोकेशन भेजो। और तुम एक काम करो, तुम इंस्पेक्टर और उनकी टीम को लेके वहाँ पे पहुँचो डायरेक्टली। ओके ओके। धन्यवाद। से मेरे खिलाफ काम करवा रहे हैं। सॉरी। ओ भाई किससे बात कर रहा है तू? हाँ भागने की कोशिश मत करना, जितना पूछ रहा हूँ सीधे सीधे बताना। छोड़ मुझे। सुन राघव, किसके कहने पे मेरे खिलाफ तूने कंप्लेंट की थी? बोल, कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे। मुझे कुछ नहीं पता। बोल राघव। छोड़ मुझे, छोड़। ये क्या कर रहे हो तुम? बचाओ बचाओ मुझे, ये आदमी मुझे जान से मार देगा। बचाओ 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 मुझे, बचाओ। क्या बकवास कर रहे? सब छोड़ दो मुझे, सब सब सब, आप जो कुछ बोलोगे मैं सब कुछ करूंगा। सब 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 सब, बचाओ बचाओ बचाओ, ये आदमी मार डालेगा मुझे। मुझे बचाओ। बाकी हो सकता है जब आप इनके साथ थी तब अगस्त्या ने उसे ना मारा हो। लेकिन हॉस्पिटल में पड़ा हुआ इंसान झूठ भी तो नहीं बोल सकता ना मैडम। अगस्त्या ने उसे बाद में मिलकर मारा होगा तो। ए, रुक, रुक। बाकी बाकी ट्रस्ट मी, आदमी झूठ बोल रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया। जब हमारी राघव को लेकर बात हुई थी ना तब से लेके अभी तक मैं उसे मिला तक नहीं। मुझे नहीं पता वो मुझे टारगेट क्यों कर रहा है, मैंने उसे नहीं छुआ, मैंने कुछ नहीं किया उसे, ट्रस्ट मी। पाकी 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 प्लीज मेरी बात सुन। पाकी मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया था ताकि अपनी बेगुनाही प्रूव कर सकूं, मेरा कोई और रीजन नहीं था पाकी, ट्रस्ट मी। पाकी पाकी प्लीज, पाकी पाकी मुझे भरोसा कर, कुछ भरोसा कर। मैंने जीजू प्लीज पाकी जी को हट मत कीजिए आप। मोहित तुझे क्या हो गया है? पाकी जो भी तूने देखा सुना वो सब गलत था, वो सब झूठ था। मेरा यकीन कर प्लीज, ट्रस्ट मी, वो खुद मेरे हाथ से अपने आप को मार रहा था। राखी प्लीज मेरी बात मान, मैंने नहीं किया उसको कुछ। क्या हुआ सर, राघव कहां गया?
अरे साहब, मेरे जैसी एक्टिंग करने वाला आपको कोई दूसरा आदमी नहीं मिलेगा। और हाँ, आपने तो कहा था कि पाखी मैडम अकेली आएंगी, पर उससे पहले तो अगस्त्या ही आ गया। लेकिन मैंने फिर भी एक्टिंग करनी नहीं छोड़ी। अब इस बात के ज्यादा पैसे तो बनते हैं। राघव, मेरी बात ध्यान से सुनो। पाखी का फोन टैप कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता चला है कि उसके भाई मोहित को तुम्हारी लोकेशन पता चल गई। पाखी तुम्हारे तक पहुंचने वाली है, लेकिन तुम भागोगे नहीं, तुम पाखी का सामना करोगे। उसके सामने झूठा रोना गाओगे कि अगस्त्या तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, और उसे ये भी कहना कि तुम हॉस्पिटल से भी इसीलिए भागे थे क्योंकि तुम्हें वहां पे अगस्त्या से खतरा था। समझ गए? एक दो महीना गुजारा करने के लिए इतने पैसे काफी हैं। दिल्ली से कहीं दूर चले जाओ और कहीं दिखाई मत देना। जी साहब। अगस्त्या गुस्सा ज्यादा आ रहा है या हेल्पलेस फील कर रहा है? मेरे केस में मैं हेल्पलेस फील कर रहा था। जिस लड़की से प्यार करता था उससे बस शादी करना चाहता था, और उसे तो तूने मुझे छीन लिया। साथ साथ ना ही मुझे काम करने लायक छोड़ा और ना ही किसी को मुंह दिखाने लायक छोड़ा। इन शॉर्ट, पूरी लाइफ का रायता कर दिया तूने। पर अब तेरी बारी अगस्त्या। जो जो मैंने फील किया है वो सब तुझे फील करना पड़ेगा। विद इन ट्रस्ट। हम भी कितने स्टूपिड थे ना, जो सोचते थे जीजू बदल चुके हैं, अच्छे इंसान बन गए। देखा जाए तो इम्पॉसिबल है। क्या आपके रूम में कैमरास थे और इस बारे में जीजू को नहीं पता था? आई एम श्योर ये उनका ही काम होगा। पिछली बार भी उन्होंने कैमरास लगाए थे, इस बार भी उन्होंने ही लगाए होंगे। समझ में नहीं आ रहा कि अगस्त्या ऐसा दोबारा क्यों करेगा। मुझे नहीं लगता अगस्त्या ऐसी गलती दोबारा कर सकता है। ये जानते हुए कि मैं उसकी पुरानी आदतों से वाकिफ हूं, उनके बारे में जानती हूँ, अगस्त्या ऐसा नहीं करेगा। अगस्त्या बदल गया है और मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी सारे इशारे उसके खिलाफ ही जा रहे हैं। और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा जब तक मैं तुम दोनों को अलग ना कर दूं।